घर तक छोड़ दूँ? अरे तुम? नहीं, मैं चला जाऊंगा। वैसे भी मेरा ड्राइवर आने ही वाला होगा। ज्यादा नाटक मत करो, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। नाटक? कैसा नाटक? और तुम कौन से सच की बात कर रही हो? अरे पहले गाड़ी में बैठो तब बताती हूँ। अरे पवन अब बैठ भी जाओ, शर्माओ मत। अच्छा ठीक है। देखो मुझे सब पता है कि तुम मैकेनिक हो, और वो सब जो भी नाटक तुमने उस दिन किया था वो तुमने मेरे से बदला लेने के लिए किया। नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। किसने बोला तुम्हें ये सब? आई एम सॉरी यार, गलती मेरी थी, मुझे तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहिए था। अरे कुछ बोलो तो सही, अब चुप क्यों बैठे हो? क्या बोलो यार, अब कुछ बोलने के लिए है ही नहीं मेरे पास। बस यही कि मुझे भी माफ कर दो, जो भी मैंने उस दिन किया उस सब के लिए। अरे पुरानी बातें भूल जाओ अब। अच्छा ये बताओ, क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। ग्रेट, ये हुई ना बात, तो आज से हम फ्रेंड्स। और बस मुझे यहीं ड्रॉप कर दो, मेरा घर आ गया। थैंक यू मुझे घर ड्रॉप करने के लिए। अरे कोई बात नहीं, और आज से हम फ्रेंड्स हैं ना, तो नो थैंक यू नो सॉरी। अरे ठीक है बाबा, चलो बाय, टेक केयर। ओके बाय। अरे नहीं, 10 बज गए, आज तो पक्का साहब से गाली पड़ेगी। बे हट साला, मैं तो भूल ही गया, मेरे को तो नौकरी से ही निकाल दिया। अब क्या करना है? मैं मार्केट से दूध ले आता हूँ, फिर ब्रेकफास्ट रेडी करता हूँ। अबे यार, इस गाड़ी को आज ही खराब होना था, अब क्या करूं, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी आज। क्या हुआ भाई साहब, काफी परेशान दिख रहे हैं आप। अरे भाई आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मुझे वहां जाना है, ये गाड़ी पता नहीं क्या दिक्कत आ गई है, स्टार्ट ही नहीं हो रही। अरे भाई जी, चिंता मत करिए, लाओ मैं चेक करता हूँ आपकी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है। ये लीजिए, अब आपकी गाड़ी ठीक हो गई। अरे वाह, शुक्रिया भाई, तुम ना होते तो आज की मेरी मीटिंग कैसे अटेंड करता मैं? ये कैसे शुक्रिया करूं मैं तुम्हारा आज की डेट में? कोई किसी की हेल्प करने को कोई तैयार ही नहीं है, तो ये लो कुछ पैसे ले लो भाई। अरे कोई दिक्कत नहीं भाई जी, बाकियों का तो क्या कहना, पर हमको अपने से जितना हो सके उतनी मदद करनी चाहिए दूसरों की। कोई देखे ना देखे पर ऊपर वाला सब देखता है, और ये तो छोटी सी दिक्कत थी, और किसी को हेल्प करने के पैसे नहीं लिए जाते। अच्छा तो ये लो मेरा कार्ड है, तुम्हें जब भी कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे फोन कर देना। जी शुक्रिया। चलो अब मैं चलता हूँ, ओके भाई जी, बाय। बाय। यार अब तो नौकरी भी नहीं है, कुछ ना कुछ तो काम धंधा करना ही पड़ेगा, ऐसे खाली नहीं बैठ सकता मैं। अरे क्यों ना मैं खुद का ही एक छोटा सा गैराज खोल लूँ, स्टोर भी है ही खाली पड़ा हुआ बगल में, और रिपेयरिंग का सारा काम मुझे आता ही है, बस थोड़ा बहुत सामान लेके आना पड़ेगा मार्केट से, वो कल जाके ले आऊँगा। चलो फ्रेश हो जाता हूँ जल्दी से, मार्केट भी जाना है आज तो सामान लेने। अरे ये क्या है? ये गाड़ी कितनी पुरानी और खटारा है, और इसकी हालत तो देखो, बाप रे, ऐसा लग रहा है ना जाने कितने सालों से पड़ी है। यार मैं इस गाड़ी को रिपेयर करके एक न्यू कार डिज़ाइन कर सकता हूँ, मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ। चलो थैंक्स भैया हेल्प के लिए, ये लीजिए आपके पैसे। चलो गाड़ी तो ले आया, अब पहले इस कार का डिज़ाइन और ब्लूप्रिंट तैयार करता हूँ।
मारो, मुझे मारो। फाइनली अब जाके ये डिजाइन रेडी हुआ, पर यार मैं कितना बेवकूफ हूँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं इसके पार्ट के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे हाँ, उस दिन मैंने एक आदमी की हेल्प करी थी, उनका कार्ड है मेरे पास, फ़ोन करके बात करता हूँ अगर पैसे का कुछ जुगाड़ हो पाए। हेलो। हेलो सर, मैं पवन बोल रहा हूँ, उस दिन मिले थे ना, आपकी गाड़ी ख़राब हो रखी थी रास्ते में। ओह हाँ, पवन याद है, आपने मेरी हेल्प की थी मेरी उस दिन। बताओ कैसे याद किया, सब ठीक तो है ना? हाँ सर सब ठीक है, पर एक्चुअली मुझे थोड़े पैसों की ज़रूरत थी, तो आपके कार्ड से पता चला कि आप बैंक मैनेजर हो, तो क्या आप मुझे लोन दे सकते हो? अरे हाँ क्यों नहीं, तुम एक काम करो, कल मेरे ऑफिस आ जाना। ओके सर, कल मैं आपके ऑफिस आ जाऊंगा। थैंक यू, बाय सर। ओके बाय पवन। हेलो सर। अरे पवन आओ आओ, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। ओह अच्छा अच्छा अब पहले मुझे ये सब बताओ, क्या तुम्हारा प्लान हुआ, तुम्हें किस काम के लिए पैसे चाहिए, कहीं कुछ गलत काम में तो नहीं पड़ गए ना? अरे नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली मैंने हाल ही में एक कार का मॉडल तैयार किया है। ओह नाइस, वेल डन। थैंक यू सर, पर अब सब कुछ फाइनल तो हो गया, पर प्रॉब्लम यही आ रही है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कार के पार्ट्स खरीद सकूं, तो इसलिए मैं आपसे हेल्प मांगने आया हूं। ओह अच्छा, तो ये बात है, तुम परेशान मत हो, मैं अभी तुम्हारा फॉर्म वगैरह भरवाता हूं, तुम तब तक वेट करो। अरे मोहन सर की केबिन एप्लीकेशन रेडी करो, वो मेरे केबिन में पहुंचाओ। ओके सर। पवन एक साइन कर दो इस फॉर्म में, बाकी सारी फॉर्मेलिटीज हो गई है और ये आपके पैसे। थैंक यू सो मच सर, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, आपने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। अरे कैसी बात कर रहे हो, तुमने भी मेरी उस दिन हेल्प की थी ना, और तुम ही तो बोलते थे कि कोई करे ना करे हमको अपने से जितना हो सके उतनी हेल्प करनी चाहिए, कोई देखे ना देखे ऊपर वाला सब देखता है। क्या बात है सर, चलो मैं चलता हूँ सर, मुझे मार्केट भी जाना है सामान वगैरह लेने के लिए। चलो ठीक है पवन, बाय। बाय सर। हेलो पवन, कैसे हो? अरे नंदिनी तुम यहाँ कैसे? अरे मैं यहाँ पास ही में कुछ काम से आई थी, तो मैंने सोचा कि तुमसे मिलते चलूँ। ओह चलो बढ़िया किया तुमने। और क्या बात, तुमने तो अपना खुद का गैराज खोल दिया। वो मैंने सोचा कब तक लोगों के ताने सुनूं, तो सोचा खुद का ही काम शुरू करूं। ओह बढ़िया किया तुमने, पर ये खटारा कार के साथ तुम क्या कर रहे हो? मैं इस खराब कार को रीडिजाइन करके एक न्यू मॉडल तैयार करने वाला हूँ। ओह वाओ नाइस, चलो अगर तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए होगी ना तो बता देना, आके फ्रेंड्स कब काम आएंगे। हाँ क्यों नहीं, जरूर। चलो ओके फिर, अब मैं चलती हूँ, बाय बाय। ओके ठीक है, अपना ध्यान रखना, बाय। भाई मारो, मुझे मारो। उफ चलो आखिरकार मेरी कार रेडी हो ही गई।